हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बायो के अंदर 300 प्लस मार्क्स को कैसे अचीव किया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर रियली 300 प्लस मार्क्स तक पहुँचना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपके पास 11th और 12th की जो NCERT बुक है, जो कि CBSE द्वारा प्रोवाइड की गई है, वो आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके पास अच्छे से नोट्स होने चाहिए जो कि आपको NCERT से बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में कुछ बता सकें। थर्ड बात, को अच्छा खासा स्टडी मटेरियल होना चाहिए इंस्टीट्यूट का। और फोर्थ एंड लास्ट, आपके पास बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अच्छी खासी बुक होनी चाहिए। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको डॉक्टर अली या फिर दिनेश वाली बुक, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT के लाइन से लाइन मिलाकर दिए गए हैं। आपको प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने NCERT पढ़ी है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ कि आपको फ्रेंड्स, अगर आपने जो भी बायोलॉजी के लिए जो टाइम फिक्स कर रखा है अपने टाइम टेबल में कि मुझे रोज का इतना पढ़ना है, तो उस टाइम के अंदर आपको टिक कर फिक्स टाइम पर बैठ कर पूरे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक भी वक्त आपका माइंड जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइन से लाइन नहीं पढ़ पाए और एक दो भी लाइन अगर मिस कर गए तो बाद में आपको बहुत बड़ी तकलीफ दे सकती है। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पूरी लाइन से लाइन पढ़ेंगे, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लाइन से लाइन जो है NCERT की हो चाहे नोट्स की हो, एकदम पूरी आपको याद होनी चाहिए और वो आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। क्योंकि जब आप बाद में जब पेपर्स में या फिर टेस्ट में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ता है। तो आप अगर आप ढंग से पढ़ेंगे भी नहीं तो आपको कैसे सोचेंगे। अगर आपको अच्छे से आप पढ़ेंगे, एक घंटा भी आप चाहे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और उसको एकदम लाइन से लाइन क्लियरली अपने माइंड में बैठाएं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड बात आती है कि आपको डेली का एक चैप्टर या टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ना है। आपको एक टाइम बैठाना है कि मुझे जो पढ़ना है आज का वक्त है उसमें आपको एक नया टॉपिक और नया जो भी चैप्टर है उसको आपको रिवाइज करना है या फिर पढ़ना है। और उसके बाद में आपको रोज़ का उसी दिन आपको एक और अलग से टाइम देना है बायो को, और जो आपने पिछले दिनों में पढ़ा है या आप शायद आपने कल ही पढ़ा है तो उसको डेली का डेली रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप रिवाइज़ करना भूल जाएं, आपसे पढ़ते जाएं आपको रिवाइज़ करना भूल जाएं, आपको रिवाइज़ पूरा करना है। तो पहली बात हुई कि डेली जो आप नया पढ़ते हैं उसको जारी रखिए, और सेकंड बात ये हुई कि आप रोज़ का जो आपने पिछला पढ़ रही है उसको रिवाइज़ करना ना भूलें, क्योंकि अगर रिवाइज़ करेंगे तो बाद में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आपको बाद में जब एग्ज़ाम के टाइम आएंगे उस टाइम आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको रिविज़न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पिछले दिनों में पढ़ते जा रहे हैं वो आपको जल्दी से जल्दी आपको याद भी हो रहा है, तो आपके ऊपर जो बोझ होगा वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है बायो के अंदर। क्योंकि आप जितना ज़्यादा चैप्टर छोड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मार्क्स को कम होने के लिए। तो आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को राइट कर पाएं, चाहे आप 90 क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, तो उसको करने के लिए आपको एक भी चैप्टर को टॉपिक को छोड़ना नहीं है। शायद भले आपका वो छोटे से छोटा चैप्टर को आपको लगता हो कि यार ये बहुत ही कम, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि आपका जो चैप्टर है एनिमल हस्बेंड्री वाला, तो आपको लगता होगा कि यार इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, उसको बाद में पढ़ा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके अंदर से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर साल, और ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि लाइन से लाएंगे लेकिन बहुत ईजी होगा। तो अगर आप पढ़ेंगे ढंग से तो आपका एक क्वेश्चन राइट ही होना है, तो आपको बहुत ही मदद करेगा। तो इसलिए प्लीज़ एक भी टॉपिक या चैप्टर को बिल्कुल ना छोड़ें। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट ये है कि एक वीक में आपको एक बार बायो के क्वेश्चंस जो आपने बुक खरीदी है उसमें से आपको सॉल्व करने हैं, जो भी आपके जो बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करने हैं, और वो दिन शायद शाम को चुन सकते हैं क्योंकि उस दिन आपका इंस्टीट्यूट भी बंद होता है। तो उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एक वीक में आपको एक बार ही टाइम पढ़ना चाहिए। फिजिक्स के जैसा नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोज़ कितना पढ़ लेंगे और उसमें से अगर 20-25 क्वेश्चन भी होंगे तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो आपको जितना भी आपने एक वीक में पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप संडे को बैठकर आराम से टाइम दीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उससे होगा क्या कि आपके अगर वो आपके सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आपको उन क्वेश्चन में जो आपने जो पढ़ा है डाटा वो आपको वापस याद हो जाएगा,
और अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जो एक्यूरेसी थी पढ़ने की, जो इफेक्टिवनेस है आपका पढ़ाई पे जो ध्यान है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उससे आप अपना जो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं कि हाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही। और अगर कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अगर एवरेज हो रहे हैं और ठीक ठाक हो रहे हैं तो आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते जाइए। और शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए आप टाइम को मैनेज करते जाए क्वेश्चंस के साथ कि हाँ मुझे कम से कम क्वेश्चंस में नहीं, मुझे कम से कम टाइम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वो आपको जो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से कराएगा। और जो फाइनल में आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिलेगा और आसानी से 600 तक पहुँच जाएंगे और बायो में 300 तक पहुँच जाएंगे। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि आपको टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया था। उससे क्या होगा कि आपको जो 300 मार्क्स का अपना जो टारगेट है उसको सेट करने में बड़ी आसानी होगी। उसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले जब आप पढ़ना स्टार्ट होते हैं तो पहले 100 मार्क्स का अपना टारगेट रखिए, उसके बाद में आप जो सेकेंड टारगेट है उसको रखिए 200 का, उसके बाद में 250 का रखिए, और उसके बाद में आप 300 का रखिए। देखिए 100 से 200 तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन जो 200 से 250 वाला जो पॉइंट है उसमें आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 200 से 250 तक पहुंचने मतलब एक एवरेज से एक बेटर स्टूडेंट तक पहुंचना होता है। और एक बार अगर आप 250 तक पहुंच गए और 2-3 बार 250 लेकर आ जाते हैं टेस्ट में, तो फिर आपको 300 तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद में अगर आप खुद ही नहीं पढ़ते तो 300 नहीं आ सकते। तो अगर आप इसी सीक्वेंस में पढ़ें तो आप बिल्कुल फाइनल एग्जाम में 300 क्या आप 300 से काफ़ी आगे तक पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड आप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो बनाता रहूं आपको तक पहुंचती रहे। थैंक यू।